सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और काफ़ी लंबा ब्रेक लिया है मैंने, उसके बाद में वापस आई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे जो आपको आई थिंक थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वी आर प्रेग्नेंट। तो मैकी बनने वाला है बड़ा भाई, और इसका एक्साइटमेंट बस इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है तू? तो ये बड़ा भाई बनने वाला है, इसको पता है बड़ा भाई बनने वाला है। मैं कि जिम्मेदार बन जाए, थोड़ा बड़ा भाई बनने वाला है। तो ये खुद ही अब तो छोटा का छोटा ही है। हाँ, ये कभी बढ़ने नहीं वाला है, बस बड़ा भाई नाम का बनने वाला है। आप सबको बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा, चलो बाय जाओ। चलो तो मैं फाइनली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती हूँ और वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि ऐसा था कि कुछ मंथ तक नहीं बताना था सबको। हाँ, तो फाइनली हमारा मैकी बड़ा भाई बन चुका है, तो आप लोगों को तो आइडिया लग ही चुका है, बनने वाला है। हाँ, तो बनने वाला है मैकी बड़ा भाई, और काफी टाइम से छुपा के रखी थी। शायद मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं सेंटेंस प्रॉपर्ली नहीं निकल रहे हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे सबके साथ न्यूज़ शेयर करने के लिए, बट हमने इवन हमारे जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे उनको ही बताया था, हमने किसी को नहीं बताया था, बिकॉज बड़े बोलते हैं कि इतनी जल्दी किसी को बताना नहीं चाहिए, नजर एंड ऑल थिंग। सो अब मैं उस इफ़ यू आर गुजराती तो यू नो दैट थिंग, आपको पता होगी कि ये क्या है चीज़। तो ये जब तक नहीं बनती तब तक किसी को बताते नहीं है एक्चुअल में कि प्रेगनेंट हो, तो इस वजह से नहीं बता पाए थे। बट अब हम खुल के मैं बहुत सारे फोटोज शेयर कर सकती हूँ, बहुत सारे वीडियोस, और हमने बहुत सारे फोटोज शूट भी किए। हाँ, आज हम गए थे फोटो जो हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यस, तो बहुत ही प्यार प्यार क्यूट क्यूट फोटोज लिए हमने। सो एक्चुअली मेरा लास्ट ब्लॉग था माउंट आबू वाले, जो पूरी सीरीज थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो वो सीरीज जो थी तब हम अभी बैठ के यहाँ पे सोचते हैं तो तब हम दो नहीं थे, तब हम तीन थे। बट हमें बिल्कुल पता नहीं था, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, फुल घूम रहे थे, फुल मस्ती कर रहे थे, पहाड़ों में चढ़ रहे थे, सब चल रहा था। मैंने तो बहुत सारी मस्ती की है, मैंने जिप लाइनिंग, फिर वो घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ किया है मैंने, सारी चीज़ें की। और ऊपर से वो रास्ता इतना डेंजरस रास्ता है, वहाँ से पूरा यू यू करके बस में नहीं, गाड़ी में गए थे हम एक्चुअली। हाँ, गाड़ी में जाके एक्टिवा में हम लोग रेस लगा रहे थे, पता नहीं। और ये चीज़ें शॉक्ड बाद में लगा जब हम लोग दिखाने गए सबसे पहले मैडम के पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी बहुत ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बिल्कुल भी आपको वजन नहीं उठाना है, हिलना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है, गाड़ी में भी ट्रैवल नहीं करना है, ट्रैवल भी नहीं करना। बट हम बहुत ज्यादा डर रहे थे कि हमने तो बहुत फुल मस्ती की, हर चीज हम करके आए हैं, फुल ऑन ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत डर गए थे हम लोग, मतलब एक डर भी था कि मतलब, बट भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत सही जा रहा है, क्योंकि हम अभी मेरा लास्ट मंथ एंटी स्कैन भी हो चुका है, जिसमें पता चलता है आपको एग्जैक्टली आपका बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एंटी स्कैन में पता लगती है, तो जो कि मेरा बहुत ही नॉर्मल आया है, सारे स्कैन मेरे वैसे बहुत ही नॉर्मल आए हैं, और हमें बिलीव नहीं हो रहा था। हम लोग मतलब मैंने पहले टेस्ट किया था तो मैं बता नहीं पा रही थी कि मैं कैसे, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत कैजुअल चल रही थी, हम लोग गए थे घूमने के लिए, हम घूम कर आए शायद हमारा 5-6 दिन, 6-7 दिन का ट्रिप था। उसके बाद जो लास्ट ब्लॉग था उसमें मैंने बोला भी था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है एक्चुअली में, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड नोजिया वाला फीलिंग हो चुका था स्टार्ट तब से, बट मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके 15-20 डेज बाद हमें पता चला कि यस ये हो चुका है, और सबसे पहले मुझे टेस्ट किया, और उसके बाद था प्लान टोटली कि क्या करना है आगे, क्योंकि मतलब हम लोग मतलब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हाँ हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। प्लान था सब कुछ, बट ये भी था कि सब लोगों ने बताया था कि इतनी जल्दी नहीं होता, मतलब सबने कहा था कि आपको 3-4 टाइम्स ट्राई करना पड़ता है, हो सकता है कि आपको 5 टाइम्स,
हम जब हमारी गायनिक से मिले थे, एक्चुअली हम जब प्लान कर रहे थे उससे पहले हम पूरा डॉक्टर के पास टोटल विजिट करने गए थे कि क्या कैसे सब कुछ होता है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा केयरफुल इस चीज में रह रहे थे. दोनों का डिटॉक्स चल रहा था, बॉडी डिटॉक्स उतने बेटर तरीके से नहीं कर पा रहे थे सब चीजों को, क्योंकि जो डाइट फॉलो करना है वो नहीं हो पा रहा था. घर का खाना, सात्विक भोजन, ये सारी चीजें हमारा थोड़ा मिस हो रहा था, नहीं हो पा रही थी. बट डॉक्टर ने बोला था कि यू शुड ट्राई एटलीस्ट 6 months, उसके बाद आप मेरे पास आओ. तो हम 6 months क्या, हम तो नेक्स्ट मंथ ही पहुंच गए. तो मैडम ने देख के ही बोल दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, पता ही था उनको. तो मतलब डॉक्टर ने कहा कि 6 months तक ट्राई करना चाहिए, करना पड़ता है. हमें लगा ठीक है, सिक्स है और टाइम है, बट भगवान ने हमारी बहुत जल्दी सुन ली. वी आर ब्लेस्ड. सो ये गुड न्यूज़ थी हमारी लाइफ में. और एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, हैप्पीनेस वाला पूरा पिटारा हमारा जो है वो खुलने वाला है, और हमारी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है. अब हम बच्चे की जोन में नहीं रहे, हम बच्चे बच्चे नहीं बन सकते. अब हमारी लाइफ में एक और जिम्मेदारी आने वाली है. और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैंने जब पहले टेस्ट किया था वो पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, बिकॉज मैं कभी मिस नहीं करती अपना डेट. बट उस टाइम पे मेरा ये हुआ था कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैंने कैमरा ऑन रखा था कि इन केस अगर ये चीज़ सच निकली तो मैं ये चीज़ फिर लाइफ में कभी नहीं फिर मैं लाइफ में ये चीज़ कभी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी. तो इसीलिए मैं इसके बाद वो वाला रिएक्शन वाला वीडियो डालूंगी कि जिसमें मैंने सारी चीज़ें करी थी. और पहले हम उस टाइम पे ऑफिस चले गए थे और मैं रात तक मैंने 500 फ़ोन किए थे. आई कैंट बिलीव बस कि मैंने 50 फोन किए थे आपको कि आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो. जब मैंने टेस्ट किया था ये घर पर नहीं, फोन एंड मैसेजेस. हाँ, क्या हो गया, कब आ रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहे, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो. और इनको लगा कि मतलब ये हुआ क्या है, ऐसा यूजुअली कभी होता नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ. मैं दिन में एक या दो, ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी हो तो 2-3 कॉल्स करती हूँ, अदरवाइज मतलब हर मिनट में मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं कि मुझे आई नीड यू, आप जल्दी चाहिए हो. और मैं उस टाइम पे काम कर रहा हूँ ऑफिस में, उस टाइम पे शायद 5 बज रहे थे 6 बज रहे थे शायद. हाँ, 6:30 को आप आए थे मुझे. हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यूजुअली मैं 8:30 हो जाता है आने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं जल्दी आता हूँ. हाँ, उसके बाद आए और मैंने ये ऐसे बॉक्स में, ये ऐसे ही था और ये पूरा मैंने इनको लाके ऐसे दिखाया. और नहीं दिखाएगा, मुझे खोलने के लिए बोला. हाँ, खोलने के लिए बोला. और इसके अंदर एक, और मैं तब तक मुझे बिल्कुल भी मतलब यूजुअली कैसा होता है कि जब ये सरप्राइज देती है मेरे को तो मुझे पता चल जाता है कि मतलब ऐसा थोड़ा सा क्या सरप्राइज होगा, क्या दे रही है. ऐसे बर्थडे में भी कभी तो थोड़ा मैं ऐसा सिक्स सेंस लगा लेता हूँ, थोड़ा यूज कर लेता हूँ. बट इसमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, ऑल ऑफ सडन आई नीड यू करके सरप्राइज हाथ में दिया जा रहा है. उसके बाद ये हैंड रिटन नोट है जो थोड़ा पर्सनल है, तो मैं नहीं दिखाना चाहती, बट ये था. ये मैंने खुद ही खोल के देखा. देखो अभी तक 2 lines कम्प्लीटली वैसे की वैसे, मुझे दूसरे टेस्टर की जरूरत तक नहीं पड़ी है क्योंकि ये इतना क्लियर था मेरे लिए. सो ये एक चीज थी. और उसके बाद हम, और मुझे तब तक पता नहीं था कि 2 lines आता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है. या कि इनको पता नहीं था कि 1 line होता है या फिर 2 lines होता है. कंफ्यूज थे एक्चुअली. मैं भी जब टेस्ट कर रही थी तो मैं भी कंफ्यूज थी कि 1 line होता है ये 2 line होता है. और 2 line आया, मुझे बोला है कि आई एम प्रेगनेंट, और मुझे 0.01% भी बिलीव नहीं हो रहा था. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. हाँ, तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था. मैंने बोला कि यार ये हो ही नहीं सकता, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता. मतलब मैं मान ही नहीं रहा था, मैं उस चीज़ को मानना चाह भी नहीं रहा था. फिर हम उसी जोन में थे ना, 6 months 6 months. हाँ, 6 months टाइम लगेगा. हाँ, सिक्स में थे. और उस टाइम की मतलब वैसी कुछ प्रिपरेशन भी नहीं हम लोग कर रहे थे, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी. फिर हम लोग कब गए थे डॉक्टर के पास? हम गए और जो भी चेक वगैरह हुआ, एंड मैडम ने बोला कि यस, आई मीन इट्स वेरी श्योर कि आप प्रेग्नेंट हो, बट स्टिल देखेंगे, लाइक 10 days और देखेंगे. तो मैं समझ गया कि कुछ
है नहीं, ये बस ऐसे ही आ गया है ऐसे, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हो सकता है। तो मैं तब तक भी मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। आफ्टर 10 डेज जब हम लोग गए और जब जो टेस्टिंग होती है जिस तरीके से हार्ट बीट के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जब तक आपका हार्ट बीट नहीं आएगा इट मीन्स कि वो चीज़ श्योर नहीं है। तो मुझे बुलाया गया अंदर और लिटरली स्क्रीन पे क्या बोलते हैं सुनाया गया, वो हार्ट बीट जब सुना मैंने तो पहले मैं बड़ा शॉक्ड हुआ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। थोड़ी स्माइल हल्की सी अंदर ही थी थोड़ी स्माइल, बट वो स्माइल में बाहर दिखाना नहीं चाह रहा था। तो मुझे मालूम पड़ गया यस है। फर्स्ट टाइम में भी ये हुआ था कि हार्ट बीट आ गई थी बट हार्ट बीट थोड़ी कम थी। सो क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे 7th week कंप्लीट नहीं हुए थे तो इसकी वजह से हार्ट बीट थोड़ी कम थी। तो मैम ने बोला कि आप 1 week के बाद फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा। जो कुछ रेटिंग्स मतलब कुछ नंबर्स आने चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो थोड़े से कम थे। कम था तो बट श्योर हो गए थे कि यस है लाइक जनाब जो भी हैं आ रहे हैं आने वाले हैं। तो बट स्टिल हम लोग थोड़े श्योर नहीं थे। फिर बाद में लाइक हमने 1 week के बाद हमें कंप्लीटली पूरा टेस्ट सब कुछ कर दिया, सब कुछ बता दिया, मेडिसिंस चालू हो गई मेरी। कुछ मेडिसिंस थी जो मेरी प्री प्रेगनेंसी भी स्टार्ट मैंने कर दी थी, थैंक गॉड की मैंने कर दी थी स्टार्ट। और उसमें 1 month कंप्लीट हुआ। अच्छा हमारा जो सेकेंड टाइम जो हुआ था अच्छी तरीके से 3D स्कैन सिटी स्कैन सॉरी एंटी स्कैन मेरा लास्ट मतलब लास्ट क्वार्टर में हुआ था। तो 3 months मेरे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैम ने बोला था कि यू कैन ट्रैवल नाउ, अभी आप ट्रैवल कर सकते हो, आप जा सकते हो बट वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान रख के जाना है, ज्यादा लंबा। बट वो 3 months भी बड़ी ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी, ऐसा कुछ ज्यादा मतलब बहुत ओवर हैप्पीनेस भी नहीं था, बहुत ही मतलब समझ नहीं आता कि किस टाइप की फीलिंग थी। शायद इसलिए कि क्योंकि शायद मैं उतना प्रिपेयर नहीं था या हम लोग उतने प्रिपेयर नहीं थे जितना हम ने प्लानिंग की थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसा कुछ था नहीं। सोच ही नहीं पा रहे थे कि यार अब क्या। हाँ तो हो गया, आप क्या। जब 3rd month में हमने एंटी स्कैन करवाया प्रॉपर तरीके से, तो मैं वहाँ पे था और डॉक्टर ने सब कुछ लाइव दिखाया मेरे को। तो उस टाइम पे बेबी का आई थिंक हाफ एन आवर चला था। हाँ तो 30. उस टाइम पे बेबी का ब्रेन दिखाया गया, स्पाइनल कोड दिखाया गया, हाथ दिखाया गया, पैर दिखाए गए, आँखें दिखाई दे रही है, तो वो सब कुछ हमारे पास उसके लाइक फोटोज भी हैं। जब मैंने वो देखा ना, सो आई वॉज वहाँ से मेरा इमोशन हैप्पीनेस बिल्ड होना एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि ओ माय गॉड कि एक मतलब एक जान है एक जान है और एक न्यू लाइफ पनप रही है, मतलब एक न्यू लाइफ है, मतलब वो एक बहुत ही अलग ही फीलिंग था, बहुत ही एक्सट्रीम मतलब। तो वहाँ से फिर चीज़ें बहुत ही इट्स लाइक कि लाइफ काफ़ी ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी चेंज होने वाली है, हो चुकी है। मेंटली हम बहुत प्रिपेयर हो चुके थे कि हाँ अब लाइफ चेंज होने वाली है। सो उसके बाद हमने घर वालों को भी इन्वॉल्व किया सारी चीज़ों में, बताया उनको भी कि ऐसा ऐसा है सबको। उसके सारे वीडियो मैंने सबके रिकॉर्ड करके रखे हैं, सब इसके बाद वाले ब्लॉग में आएंगे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी है मैंने, एक एक मोमेंट इस चीज़ का मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, इवन फर्स्ट टाइम जो हम हॉस्पिटल गए थे। डेफिनेटली वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे हम अपने दूसरे ब्लॉग में। ऐसा होता तो ये है, हमने जब वो प्रेगनेंसी रिवील किया था ये था या दूसरा था, दूसरा भी था, ये रहा इसके अंदर है। ये था जो ये हम अच्छा जब हमने रिवील किया था तब हमने एक गिफ्ट रैप करके मैं सबको दिया था, मतलब मॉम डैड को हम लोग ने ये गिफ्ट रैप करके दिया था। और जब मॉम डैड ने इसको ओपन किया सो दे आर लाइक वेरी हैप्पी यू नो, और मतलब वैसे डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। हां मम्मी तो शी स्टार्टेड क्राइंग और इमोशनल अलग लेवल पे, बट हां सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे।
क्योंकि अभी हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और सबका यही क्वेश्चन था। हाँ, कोई पूछ नहीं रहा था ऐसे, कभी कोई प्रेशर नहीं आया हम पे कि हाँ ये करना है ऐसे करना है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि कुछ तो हम लोग भी बताए उनको, या फिर तो सडनली उनको भी गुड न्यूज़ मिल गई, तो दे आर वेरी हैप्पी और हम भी बहुत खुश हैं। और तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है इन ए गुड वे, और बहुत ब्लेस्ड है, बहुत सारी आपकी भी ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत है, और बस यही दुआ कीजिए कि हमारा बेबी इस दुनिया में बहुत ही सेफ, उसका अराइवल हो जो भी हो, बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट हाँ, इनको ज़्यादा एक झुकाव होता है जिस तरफ, वो है बेबी गर्ल की तरफ तो होता है वो चीज़ें, और मेरा न्यूट्रल है ज़्यादा है नहीं कुछ की, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, और अभी आगे बहुत सारे आपको इसके रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ऑब्वियसली मिलेंगे क्योंकि ये आधी डॉक्टर बनी चुकी है। हाँ, एक्चुअली मैंने इतना रिसर्च किया है कि मेरे को एक टाइम पे मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था कि स्टॉप करो अब सारी चीजें, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तुम्हारे पास बहुत सारी क्वेरीज है जो ऐसे मन में नहीं आ सकती, जो आपको यूट्यूब से मिली है या तो गूगल से मिली है, तो स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस, सारी चीजें पढ़ना बंद कर दो, भगवद गीता पढ़ो और शांति से रहो। चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब आई गेस टाटा बाय बाय करना चाहिए। बाकी की बातें मैं अपनी जो मेरी जर्नी है वो पूरी शेयर करूंगी, कैसे हुआ, कब, क्या सारी चीजें प्रोसीड हुई, कौन कौन से टेस्ट हुए, सारी चीजें मैं एक के बाद एक बताऊंगी, तो उसके लिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। और हाँ, हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ज़रूरत है अभी, और कमेंट डाउन कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। सो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, अब हम चलते हैं, बाय बाय।